हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग सूजी का हलवा बनाते हैं जो हम पूरी और पराठे के साथ खाते हैं। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चूल्हा अपना हम ऑन करते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास एक कप सूजी है जो मैं अपनी कढ़ाई में डाल रही हूँ। सबसे पहले हम इसको हल्की आंच पे अपनी सूजी को हम भूनेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, एक कप सूजी है मेरे पास, एक कप देखिए शक्कर है मेरे पास, चीनी, एक कप मैं बटर में बना रही हूँ, एक कप मेरे पास मेल्टेड बटर है, और मेरे पास दो कप मेरे पास पानी मैंने लिया है, दो छोटी इलायची हैं ग्रीन जिन्हें मैंने इसके दाने निकाल लिए हैं, और ये मेरे पास येलो कलर है, फूड कलर जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। चलिए अभी हम पहले अपनी सूजी को हल्की आंच पे भूनेंगे। फ्रेंड्स ये हलवा बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े का होता है। इसके अंदर आपको पता है कि कोई भी हम ड्राई फ्रूट किसी किस्म का नहीं डालते हैं। ये हलवा जो है हमारा, हम उसके पराठा बना लीजिए उसके साथ अच्छा लगता है, और आप पूरियां बनाते हैं लोग उसके साथ खाया जाता है, और मेरे यहाँ इस ये वाले हलवे को एक मैं रोगनी टिकियां बनाती हूँ उनके साथ खाया जाता है सुबह नाश्ते में। मैं आपको जल्द ही अपनी रेसिपी आपके साथ रोगनी टिकियों की भी शेयर करूँगी, तो आपको मैं वो भी सिखाऊँगी कि मैं रोगनी टिकियाँ इस हलवे के साथ खाने के लिए कैसे बनाती हूँ। अगर आपको फ्रेंड्स मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा और इजी इजी किचन को सब्सक्राइब करिएगा। सूजी जो है हमें बहुत हल्की आंच पे मीडियम से भी लो और मीडियम के दरमियान में रख के हमें भूनना है, क्योंकि अगर आप इसे तेज़ चूल्हे पे भूनेंगे तो ये एकदम से कलर तो अपना चेंज कर देगी लेकिन इसमें जो एक कच्चेपन की स्मेल होती है वो नहीं हमारी जाएगी। तो इसको हम इसलिए आहिस्ता आँच पे आहिस्ता आहिस्ता भूनेंगे और हिलाते जाएंगे चारों तरफ से ताकि ये एक सी इसका कलर और हर चीज़ एक सी हो जाए, एक सी भुने। देखिए ऐसे आहिस्ता आँच पे हम इसको चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। चूल्हा मैंने अभी भी स्लो पे ही रखा हुआ है। दो से चार मिनट बाद इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाती है, तो फिर मैं इसका चूल्हा थोड़ा सा तेज करूंगी। इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। बहुत ही जल्दी से बनने वाली ये रेसिपी है, और फ्रेंड्स मैं जो हूँ इसको एक ही पॉट में बनाती हूँ सारी चीज़ें एक साथ डाल के। मैं अलग से इसका कोई शीरा या कोई चीज़ नहीं बनाती हूँ, तो मैंने कहा कि मैं आपको अपने स्टाइल से जैसे मैं बनाती हूँ मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूँ। ऐसे हम इसको भूनते रहेंगे। अब हम इसके अंदर देखिए हमारी सूजी का कलर अच्छा सा गोल्डन सा ब्राउन हो गया है। अब हम इसके अंदर अपना थोड़ा सा इसको पैन को हम अपने इधर कर लेते हैं, और हम इसके अंदर देखिए सबसे पहले मैं ये बटर डालने जा रही हूँ इसके अंदर। थोड़ा सा बटर मैं बचा लूँगी, सारा नहीं डाल रही हूँ अभी, इतना बटर मैं डालूँगी इसके अंदर। फिर हम इसको चूल्हे पे रखेंगे अपने। इलायची डाल देंगे हम इसके अंदर अपनी, ये डाल दी हमारी इलायची भी चली गई इसके अंदर।
एक मिनट हम इसके साथ इसे ऐसे करेंगे, फ्राई करेंगे। इतनी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है इसकी। अच्छा देखिए, मैंने फ्रेंड्स एक कप सूजी में एक कप ही शक्कर ली है। अगर आपके यहाँ कम मीठा खाया जाता है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से शक्कर को थोड़ा कम कर सकते हैं, चीनी को एक कप से कम भी आप थोड़ा, हाफ कप और क्वार्टर वो भी ले सकते हैं। चलिए अब हम इसके अंदर अपनी जो एक कप शक्कर है मेरे पास, हम इसको ऐड कर देते हैं सारी। इसको भी हम मिक्स करेंगे। चूल्हा मैंने अब मीडियम पर कर दिया अपना। देखिए दो मिनट हम इसको भी करेंगे ऐसे चीनी के साथ। चलिए अब हम इसके अंदर अपना जो दो कप पानी मैंने लिया है इसको ऐड करते हैं। हमने पानी ऐड किया अपना सारा, चूल्हा मैंने मीडियम पे कर दिया। ये देखिए कर दिया हमने, सारा पानी हमने डाल दिया दो कप। और फ्रेंड्स अब मैं इसके अंदर अपना फूड कलर जो कि येलो कलर है इसको ऐड करती हूँ, ताकि इसका एक गोल्डन सा अच्छा सा कलर बनेगा हमारे हलवे का। ये देखिए, ये देखिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और डालते हैं। मैंने समझिए फ्रेंड्स हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर फूड कलर, येलो फूड कलर ऐड किया है। इसको भी हम मिक्स कर देते हैं। अब फ्रेंड्स हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि हमारी सूजी जो है वो और शक्कर का पानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब मैंने चूल्हा हाई पे कर दिया और हमारे जो बटर है वो सारा ऊपर आने लगे, तो हम इसको फिर निकालेंगे। मैंने थोड़ा सा भी बटर और बचाया हुआ है, ये मैं जब इसका पानी और शक्कर का पानी जब ये होने लगेगा और मैं इसको थोड़ा भूनूंगी तो मैं इसके बाद इसमें और ऐड करूंगी। टोटल एक कप बटर लिया था मैंने मेल्ट किया हुआ। मैं आपसे रेसिपी दोबारा शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स देखिए मेरे पास एक कप सूजी थी, एक कप शक्कर थी, चीनी, दो कप पानी और एक कप मेल्टेड बटर, या आप घी लेना चाहें तो घी, और हाफ टी स्पून मेरे पास फूड कलर था येलो कलर। बहुत ही आसान इसकी रेसिपी है, याद रखना भी बहुत आसान है। एक कप सूजी, एक कप शक्कर, एक कप बटर या घी और दो कप पानी। बेहतरीन हलवा, हलवा पूरी और रोगनी टिकिया और पराठे के साथ खाने वाला तैयार होता है। और एक कप सूजी का हलवा अच्छा खासा बनता है, क्योंकि आपको पता है ये बहुत स्वीट होता है, तो बहुत ज़्यादा खाया नहीं जाता, थोड़ा थोड़ा ही खाया जाता है। अब हम अपने चूल्हे को देखिए फ्रेंड्स मीडियम पे कर रहे हैं। अब ये पकना शुरू हो गया है, गाढ़ा होना शुरू हो गया हमारा हलवा। देखिए अब इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे। सूजी हमारी पक चुकी है और फ्रेंड्स ये जो है ये इलायची के दाने हैं जो मैंने निकाले हैं, इसमें डाले हैं, इसके अंदर कुछ और नहीं है ये। चलिए अब इसको हम आहिस्ता आँच पे ऐसे ऐसे थोड़ी देर भूनेंगे। अब इसका बटर ऊपर आना शुरू हो जाएगा, देखिएगा। मीठा भी बिल्कुल सही है। अब हम ये जो बटर मैंने बचाया था ये एक कप में से ही था, जो मैंने सारा नहीं डाला था उस वक्त, अब मैं बाकी भी डाल दिया मैंने।
ये देखिए कितना उमदा हमारा हलवा बन गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हलवा रेडी है। हम अपनी डिश में निकालते हैं इसको। चूल्हा अपना हम बंद कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी आज की रेसिपी सूजी का हलवा जो पूरी और टिक्किया और पराठे के साथ खाया जाता है वो रेडी है। और देखिए, मैंने इसके ऊपर जो बटर था मेरा, उसकी मैंने छोटे छोटे पीसेस काट के मेल्ट किया हुआ नहीं था, वो मैंने गरम गरम हलवे के ऊपर से रखे हैं ऐसे। जब आप सर्व करिए तो आप इस तरह से, अगर आपको पसंद हो तो आप बटर को फ्रिज में से निकाल के उसके क्यूब्स काट के थोड़े थोड़े उस पर आप ऐसे रख के पेश करिए। जिसको ज़्यादा बटर पसंद होगा पराठे के साथ, पूरी के साथ, ये भी बहुत मज़े का लगता है हलवे में इस तरह से रखा हुआ, तो आप इस तरह से रख के दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है हलवे की, सूजी के हलवे की, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल रिजी इजी किचन को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्द ही आपके साथ एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, जल्द ही आपसे दोबारा मुलाकात होती है। ओके, बाय बाय।